16/2016 को मेरा भाई मीटिंग में जा रहा था बिथान में, तो उसको रास्ते में कुंदन सिंह और आरोपी सब मिलके उसको हत्या कर दिया गया। उसी के क्रम में इसमें आरोपी कुंदन सिंह था, तो उसको इधर पाँच महीना पहले उसको बेल मिल गया हाई कोर्ट से, और उसके खिलाफ मैंने सुप्रीम कोर्ट गया। मैं आप लोगों को पहले भी बताया था जो उछल कूद करेगा तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इसके खिलाफ आगे जाएंगे ही, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको बेल को रद्द कर दिया और 4 सप्ताह में उसको बोला हाजिर होने के लिए। और आज 2 दिन तो बीत ही गया है, 24 दिन उनके पास वक्त है और उनको 4 सप्ताह के अंदर में हाजिर हो जाना है। तो इस फैसले से आप कितने संतुष्ट हैं? हम पूरा संतुष्ट हैं और माननीय नीतीश सरकार जी को बधाई देते हैं, जो उनका सरकार का हमारे साथ बहुत सहयोग रहा, क्योंकि जितना आपराधिक हिस्ट्री था और उसके बारे में, तो पूरे सरकार ने ईमानदारी पूर्वक वहां सुप्रीम कोर्ट में जमा किए कि कितना बड़ा खतरनाक अपराधी है। और ये पहले तो बोला था हाई कोर्ट में जो हमरे पर कोई सजा नहीं है, और 7 साल पहले भोपाल में भी सजा है, कई राज्य का उस पर केस भी है। तो बेल के दौरान क्या आपको वो धमकी भी दे रहा था? बेल के दौरान हमको बहुत धमकी दिया, मारने का कई बार कोशिश भी किया, इधर भी कोशिश किया। और मैं शुक्र गुजार उसका भी हूँ, जो एक उसका अपना हनुमान जो है धनंजय झा, उसका भी बहुत बड़ा सहयोग है इसमें, जो सब क्लू उसके बारे में बताया। इसके लिए मैं उसको भी, आप तो काम इसका खत्म ही है, मैं उसको भी बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ। क्या लग रहा है आपको, न्याय मिला है सुप्रीम कोर्ट के? मुझे न्याय तो सुप्रीम कोर्ट से मिला है और इस सरकार से भी मिला है, हम तो पूरे परिवार खुश हैं इससे। नहीं तो कभी भी आपकी वो तो कोशिश हमेशा करता रहता है जो हमारा किसी तरह हत्या हो जाए, लेकिन अभी तक तो सक्सेस नहीं हुए हैं। समस्तीपुर कोर्ट में आप पर गोली चली थी उस मामले में? हाँ। नहीं नहीं, उसी में वो आदमी सेट किए हुए था और वो इसी ने गोली चलवाया था हम पर मारने के लिए, इसी केस के माध्यम से।